अपने ऊपर भरोसा करें। सभी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। मम्मी भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं, दादा दादी सभी बोलते हैं, भाई अपने ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए, है ना। क्यों रखना चाहिए, चलिए आइए जानते हैं हम कुछ एक आध उदाहरण के बारे में। देखिए, आपने कभी सुना होगा कि फारसी में एक कुबड़े राजकुमार की कथा प्रचलित है। आइए आज मैं सुनाती हूँ आपको कुबड़े राजकुमार की कथा। एक कुबड़ा राजकुमार होता है। कुबड़ा राजकुमार मतलब उसकी जो कमर होती है ना, वो टेढ़ी होती है ना, कुबड़ी होती है, झुकी हुई होती है, सीधी नहीं होती है। अब राजकुमार सीधी कमर वाला होना चाहता है। अब भाई राजकुमार अगर टेढ़ी कमर वाला है, झुकी हुई कमर वाला है, अब उसके मन में भी जिज्ञासा जागृत होती है कि भाई मुझे भी कैसा होना है, सीधी कमर वाला होना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, अब इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने कई हकीमों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, और पता नहीं कहां कहां उसने इलाज कराया, लेकिन हर जगह उसको क्या मिला, निराशा, असफलता, निराशा मिली उसको, कहीं भी सफलता नहीं मिली। किसी ने भी उस सबने इलाज तो सबने किया, सबने बोला हम ठीक कर देंगे, सबने किया अपनी अपनी कोशिश, लेकिन उसको कोई भी एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, अर्थात उसकी कमर जैसी थी वैसी ही रही। पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, आया भरोसा, है ना, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया, उसने अपनी एक मूर्ति बनाई, एक ऐसी मूर्ति बनाई उसने जिसमें उसकी राजकुमार की सीधी कमर थी। उसने ऐसी मूर्ति बनाई, वो तो था कुबड़ा राजकुमार, उसने सीधे राजकुमार की मूर्ति बनाई, मतलब अपनी ही मूर्ति बनाई, और उसको ऐसी जगह रख दिया जहां पर उसको निकलते बढ़ते उसको साफ साफ दिखे, ठीक। अब वो राजकुमार डेली उसको देखता, वह राजकुमार मूर्ति के सामने एक दिन बैठ गया। अब सप्ताह दर सप्ताह बीते, महीने बीते, खूब सारा वक्त बीत गया, बीतता रहा, आखिर एक दिन देखते देखते क्या होता है, उसकी कमर सीधी हो जाती है, क्योंकि वो कोशिश करता है, उसके सामने बैठ जाता है और उसके मन में भाव आते हैं उस तरह के, और वो प्रक्रियाएं भी फिर वैसी करता है, हिम्मत करता है, मेहनत करता है, अपने ऊपर ही वर्क करना शुरू कर देता है, और इस तरह से धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया, ये चमत्कार यथार्थ में हुआ कि नहीं, ये तो पक्का नहीं है, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कथा से ये निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि सकारात्मक विचार हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं सकारात्मक विचार। इसीलिए कहा जाता है अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। अब देखिए, मोहम्मद अली जी थे ना, आपको पता होगा मोहम्मद अली के नाम से प्रसिद्ध एक मुक्केबाज कैसियस क्ले ने 12 वर्ष की उम्र में ही अपने ब्लेजर जो नीला कोट था उस पर उसने लिखवा दिया मैं महानतम हूं, लिख रखा था उसने 12 वर्ष की अवस्था में ही, और बाद में वह विश्व का हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बना था। देखा, इसको कहते हैं सकारात्मक विचारों का प्रभाव। उसका मैं महानतम हूं कहना उसके पक्के इरादे में व्यक्त हो गया, है ना। अब वो सचमुच एक महानतम बन गया, एक पक्का कौन बन गया, बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, महान बन गया। कई बार वह पराजित भी हुआ। अब देखो, ऐसा नहीं कि वो पराजित कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो महान बन जाते हैं, जो सफल हो जाते हैं, वो कभी पराजित नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं होता है। वह कई बार पराजित हुआ, लेकिन हैवी वेट बॉक्सिंग में वही पहला व्यक्ति बना जिसने ये खिताब 3 बार जीता था, ठीक। अब देखो, एक उदाहरण और भी है, मैं आपको आज सब ऐसे ही उदाहरण बताऊंगी जो कि इससे मतलब यही निकलता है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, पॉजिटिव थिंक रखिए, ठीक। जो संस्कृत का नाटक आपने पढ़ा होगा मुद्रा राक्षस, है ना, पढ़ा होगा, तो मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त जी ने अपने बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में भी, उन्होंने
क्या किया, खेल में पता है क्या करते थे, खेल खेल में वो हमेशा राजा की भूमिका अदा करते थे, हमेशा राजा बनते थे। वो जब भी अपने बच्चों के साथ खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ, हमेशा राजा बनने का उनका शौक था। अब देखिए क्या होता है बाद में, आगे चलकर इसने मौर्य शासन की स्थापना की थी। कुमार के बेटा जो सतकर्णी ने भी बचपन में खेलों में राजा की भूमिका अदा की थी, और जब उन्होंने क्या किया था, और वह साल का जो वृक्ष होता है ना, साल साल के वृक्ष पर बैठकर ही क्या करता था, जो साल का वृक्ष होता है, साल के वृक्ष पर बैठकर ही कहा करता था क्या, यह शाखा ही मेरा वाहन है, है ना। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करता था, शाखा पर बैठ जाता था, वृक्ष की शाखा शाखा पर, और कहता था ये शाखा ही मेरा वाहन है। शाखा वृक्ष को अपना वाहन बताने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ गया था, पता है क्या, यस, शाल वाहन पड़ गया उसका नाम। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा मान्य शक संत मत जो होता है, ये इसी राजा शाल वाहन के नाम पर ही पड़ा। यह ईशा जो की मृत्यु, जब इनकी जो मृत्यु हुई थी, 78 वर्ष के बाद गद्दी पर बैठा था, मृत्यु के 78 वर्ष बाद गद्दी पर बैठा था। आपने देखा कि सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपने चमत्कारिक कार्य कर सकने में समर्थ होता है। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि हमेशा हमको कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, अपने पर विश्वास रखना चाहिए, है ना। तो सकारात्मक सोच के ही ये परिणाम थे, चमत्कारिक कार्य थे। ठीक, तो विश्वास कीजिए कुछ आप भी कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य रखते हैं। सभी इस दुनिया में जो भी आया है कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य रखता है। आप भी क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, हम कर सकते हैं। अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे बिना बाधा के कर पाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे तो ये काम करना है, क्या वो बिना बाधा के हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम काम करें और कोई बाधा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, है ना। बाधा तो आती ही है, कंकड़ पत्थर रोड़े मिट्टी ये सब तो आता ही है, लेकिन निश्चित रूप से आपको इन बाधाओं का मुकाबला भी करना पड़ेगा। हार नहीं माननी है, आपको पराजय का मुंह भी देखना पड़ सकता है। भाई पराजय भी होती है, जरूरी नहीं है हम जहां जाए वही जीत जाए, जहां जाए वही जीत जाए, और नहीं जीते तो रोना शुरू, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई हार का मुंह भी देखना पड़ता है ना। लेकिन आपकी सकारात्मक सोच ही आपको इस पराजय की कुंठा से ऊपर उठा देगी। अगर आप हार गए हैं तो अपने सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक विचारों को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक विचारों को सोच, सकारात्मक रहिए, नकारात्मक मत बनिए, बिल्कुल भी नकारात्मक मत सोचिए। हार मिलने के बाद भी देखना, सकारात्मक सोच ही आपको इस पराजय की कुंठा से ऊपर उठा देगी, और इसके बल पर ही आप पराजय से निराश नहीं होंगे, बल्कि उसे एक अस्थाई असफलता से अधिक महत्व नहीं देंगे। आप समय की प्रतीक्षा करेंगे, समय की प्रतीक्षा करेंगे, अधिक प्रयास करेंगे, धैर्य रखेंगे, अधिक प्रयास करेंगे, अपने जीवन को निश्चित उद्देश्य के अनुरूप चलाएंगे, उद्देश्य के अनुरूप। हमारा उद्देश्य क्या है, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ अगली बार फिर करना है। ठीक है, तो अब तो बस आप तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आपको निश्चित लक्ष्य नहीं मिल जाता। लक्ष्य डिसाइड होना बहुत जरूरी है। अब हम मिलेंगे आगे अगली वीडियो में। पराजय के कारण बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। नमस्कार।